નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. ગુડ મોર્નિંગ ટુ ઓલ ધી સ્ટુડન્ટ્સ. હાઉ આર યુ ઓલ? આઈ હોપ યુ ઓલ આર ફિટ એન્ડ ફાઇન. સો ટુડે લેટ્સ સ્ટાર્ટ એટ ધી ન્યુ ચેપ્ટર, ધેટ ઇઝ ચેપ્ટર નંબર 21, ધ વર્લ્ડ ઇન માય હોમ. રાઈટ? એન્ડ ઉસસે પહેલે આઈ હોપ યુ ઓલ હેવ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ ચેપ્ટર નંબર 20. ઓકે, સો નાઉ લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધી ન્યુ ચેપ્ટર, ધ વર્લ્ડ ઇન માય હોમ. મીન્સ પૂરી દુનિયા મેરે ઘર મે. इसका मीनिंग क्या होता है? द वर्ल्ड इन माय होम मींस पूरी दुनिया मेरे घर में. राइट, सो चलो ओपन योर पेज नंबर 159 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ओपन, गुड. सो चलो नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग. टग ऑफ वॉर मींस फर्स्ट टॉपिक इज टग ऑफ वॉर. मींस हम कई बार झगड़े करते हैं, राइट, घर में, कि हम भाई बहन झगड़े करते हैं कि ये रिमोट मुझे चाहिए, मुझे ये चैनल देखना है, मुझे वो चैनल देखना है. राइट, आप टीवी के ऊपर झगड़े करते हो या कुछ खाने पीने के ऊपर झगड़े करते हो भाई बहन. राइट, तो इसी तरह अभी हमें यहाँ पे क्या देखने वाले हैं हम, चलो हम देखते हैं. वंस अगेन एवरीबॉडी इन ममता'स फैमिली इज क्वारलिंग ओवर वॉचिंग द टीवी. अभी फिर से एक बार ऐसे ही सब लोग, ममता की फैमिली में सब लोग एक दूसरे से क्वारलिंग कर रहे थे टीवी के ऊपर. क्वारलिंग मीन्स फाइट कर रहे थे टीवी के ऊपर. जस्ट लाइक दे डू एवरी डे दैट विच प्रोग्राम टू वॉच. अभी ऐसे ही रोज वो झगड़े करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम हमें देखना चाहिए. छोटा भाई बहन होंगे, छोटे भाई बहन होंगे तो आपको बोलेंगे कि मुझे कार्टून देखने हैं. राइट, दादा दादी हम मम्मी पापा होंगे तो वो बोलेंगे कि मुझे सीरियल्स देखने हैं. आप बोलोगे कि मुझे ये देखना है. राइट, तो सबके अलग अलग टीवी के सिलेक्टिव फेवरेट प्रोग्राम्स होते हैं. तो सब लोग एक दूसरे को बोलते हैं कि नहीं आज ये देखेंगे, मैं वो देखूंगी. राइट, ऐसे हम भी करते हैं घर पे. गुड, ममता'स ब्रदर वांट टू वॉच अ क्रिकेट मैच. व्हाई? अभी ममता के जो ब्रदर थे उनको क्या देखना था? क्रिकेट देखना था. व्हाई? लिटिल सेजल इज ईगर टू वॉच हर फेवरेट प्रोग्राम ऑफ सॉन्ग्स. अभी जो सेजल है, उसकी जो छोटी बहन है सेजल है, उसको सॉन्ग्स का प्रोग्राम देखना था. मम्मी एंड आंटी आर गुड फ्रेंड्स बट देयर फेवरेट टीवी प्रोग्राम्स आर डिफरेंट. अभी मम्मी एंड आंटी बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं पर अभी उनको क्या करना है, उनको टीवी प्रोग्राम्स अलग अलग पसंद है तो उन दोनों को भी अलग अलग प्रोग्राम्स देखने हैं. अभी मम्मी लाइक्स टू वॉच द न्यूज बाय आंटी एंजॉय द टीवी सीरियल. अभी मम्मी को अच्छा लगता है न्यूज देखना एंड आंटी को अच्छा लगता है टीवी सीरियल्स देखना. राइट, ममता वॉन्ट्स टू वॉच कार्टून. अभी ममता को कार्टून्स देखने हैं एंड डैडी एंजॉयज द फुटबॉल मैच. और डैडी को फुटबॉल मैच देखना है. ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. अभी वो क्या बोल रहे थे, वो अभी क्या देखेंगे? ओनली ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग. और उसको इवनिंग में ही टीवी देखनी है. फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच. और अभी आखिर में सबको फुटबॉल मैच ही देखने मिलता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो. सब लोग साथ में बैठे हैं, यहाँ पे टीवी में फुटबॉल मैच चल रहा है, देख सकते हो ना. गुड, चल आगे क्या दिया गया है. टर्न ऑन पेज नंबर 160. राइट, व्हाट्स गिवन हियर? लेट्स टॉक. चलो हम बात करते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, चलो देखते हैं. क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन योर होम टू, आपके घर पे भी डू यू argue over fans, TV, newspapers, chairs or anything else? क्या आप भी आर्ग्यू करते हो कभी कभार फैंस के लिए, फैन मीन्स पंखे के लिए, टीवी के लिए, न्यूज़पेपर, चेयर या ऐसे कुछ चीज़ों के लिए आप क्वारलिंग करते हो, आर्ग्यू करते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए, नहीं मुझे वो चाहिए? राइट, हम आर्ग्यू करते ही हैं ऑब्वियसली कि मुझे ये पंखा नहीं चाहिए, मुझे वो पंखा चाहिए. राइट, इन योर होम हु सेटल्स सच आर्ग्यूमेंट्स. अभी आपके घर
एग्जांपल में ऐसे जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो कौन सॉल्व करता है? ऑब्वियसली बड़े करते हैं, राइट? जैसे कि मम्मी पापा होंगे या तो दादा दादी होंगे, राइट? वो आपकी क्वारली में या तो आर्गुमेंट में आपको वो सेटल डाउन करते हैं, राइट? टॉक अबाउट एन इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स एट होम व्हेन देयर आर आर्गुमेंट्स ओवर सच थिंग्स. अभी कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं या तो इंटरेस्टिंग ऐसे कोई इंसिडेंट्स हैं आपके जो आर्गुमेंट आप कर रहे हो और उनको आपकी मम्मी ने या किसी ने सेटल डाउन किए हो, ऐसे कोई आर्ग्यूमेंट्स हो तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हो. आप एक दूसरे को वो भी बता सकते हो, फ्रेंड्स को या क्लास में एक दूसरे को बता सकते हो कि ऐसा हुआ था, राइट? राइट? तो आपको यहाँ पे ये डिस्कस करना है.
what would happen if girls had to follow traditional rules made for boys and boys had to follow traditional rules made for girls. अभी चलो हम सोचते हैं एक बात, ऐसा कब, what will happen, ऐसा क्या होगा जब if girl had to follow, girl को follow करने हैं boys के traditional rules and boys को follow करने हैं girls के rules, तो कैसा हो, कैसा होगा? Means अगर समझ लो कि girls है वो boys के rules follow करती है, जैसे कि उनको बाहर जाने की छूट है, कभी भी वो बाहर जा सकते हैं, कितनी देर भी खेल सकते हैं, कोई उनको कुछ बोलेगा नहीं, और boys girls के rules follow करेंगे तो उनको जल्दी आना पड़ेगा, उनको डांट मिलेगी या तो सब काम उनको करने पड़ेंगे. ऐसे रूल्स अगर इंडिविजुअल चेंज हो जाए तो कैसा होगा, है ना? चलो आपको ये डिस्कशंस करने हैं. ओके, सो आई होप आप सबको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट मीना आंटी. ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस.